हमीरपुर के नगर पंचायत भोटा में हैडपंप से कीचड़ युक्त मटमैला पानी निकल रहा है, जिस कारण पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। हालांकि हैडपंप से गंदला पानी निकालने की शिकायत आईपीएच विभाग से कई बार की जा चुकी है, लेकिन फिर भी समस्या वैसे की वैसी ही बनी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि काफी दिनों से हैडपंप खराब पड़ा है, लोग मटमैला पानी पीने को मजबूर हैं और इस मटमैले युक्त पानी की वजह से कई बीमारियां पनप सकती हैं। लोगों ने जल समस्या को दूर करने की जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। गोल्डन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट सुजानपुर में नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर खेल मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार आस पड़ोस युवा सांसद प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री ने विशेष रूप से शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान नेहरू युवा केंद्र के संचालक रोहित यादव, नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवी राज अमित, गोल्डन इंस्टीट्यूट का स्टाफ सहित सभी बच्चे मौजूद रहे। बच्चों ने विभिन्न विषयों के ऊपर अपने विचार रखे और साथ में अध्यापिका कमलेश ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ऊपर अपने विचार रखे और गोल्डन इंस्टीट्यूट के सेंटर हेड पवन ने पीएम के बारे में बच्चों को जानकारी दी और विभिन्न कोर्सों के बारे में अवगत करवाया। इसके साथ थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री ने बच्चों को बढ़ते नशों की रोकथाम के लिए जागरूक किया और बेटियों की सुरक्षा से संबंधित बच्चों को मार्गदर्शन करवाया और साथ में अध्यापिका पिंकी ने योगा के बारे में बच्चों को बताया और युवाओं के अलग अलग आसन भी बताए और साथ में ये भी कहा कि योग करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है और सभी बच्चों ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर के संचालक रोहित यादव ने बच्चों को नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में पूरी जानकारी दी और उन्हें विभिन्न स्कीमों के बारे में बताया और कार्यक्रम खत्म होने के बाद थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री ने बच्चों के साथ गोल्डन इंस्टीट्यूट के आसपास से भांग उखाड़े और संदेश दिया कि सभी बच्चों ने घर में जाकर अपने घर के आसपास उगी भांग को उखाड़ना है और नशे को दूर भगाना है। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को दोपहर का भोजन भी करवाया गया और ये कार्यक्रम राजीव ठाकुर और अमित राणा की देखरेख में किया गया। ना संस्था के अंदर उसको बतलाया, ना हमने उसको अपने तौर पर बतलाया। इन चीजों के गुनाहगार हम सब लोग बराबर के। और जहां तक शायद मैडम जी ने एक बात बोली थी कि जब कोई अत्याचार या कोई ऐसी बात होती है, जैसे कि जस्ट लाइक शिमला में गुड़िया कांड हुआ, तो थाने तक जला दिए, लोग तक तो एकत्र तो हो गए, लेकिन जब वो अत्याचार हो रहा था तो वो सबसे पुलिस तो कहां थी वहां पर, तो वो लोग जो भी कर रहा खुद अपने ठीक, तो उनके बीच में सहनशीलता नहीं रही। शादी होने के बाद पति के साथ नहीं बढ़ती, पति बोला कि नहीं भी भ्रण का वहां नहीं जाना है, तो नहीं मैं तो आत्मनिर्भर। इन चीजों को भी ध्यान में रखें। इन दिनों हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुरुष व महिला कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है और इसी कड़ी में मंडी जिला पुलिस विभाग के द्वारा भी मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में 20 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत महिला कांस्टेबल भर्ती से हुई है और भर्ती प्रक्रिया के पहले दिन 500 महिला अभ्यर्थियों ने ग्राउंड प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान ग्राउंड टेस्ट के में महिला अभ्यर्थियों को दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। मंडी जिला के एसपी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में 20 जून से लेकर 29 जून तक पुरुष और महिला कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि ये भर्ती प्रक्रिया 139 पुरुष कांस्टेबल और 35 महिला कांस्टेबल पदों के लिए ली जा रही है। शर्मा ने बताया कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से अमल में लाई जा रही है। जिला मंडी के पीएचसी थाची में महिला चिकित्सा पर आपातकालीन सेवाओं के दौरान हुए हमले के विरोध में
टांडा मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने 2 घंटों की पेंडाउन स्ट्राइक की। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के आह्वान पर आरडीए ने भी 2 घंटे की पेंडाउन स्ट्राइक रखी। वहीं टीचर एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कॉलेज टांडा ने भी आरडीए की हड़ताल का समर्थन किया है। दोनों एसोसिएशन ने सीएम जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार से महिला चिकित्सक पर हमले के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं TAMCOT ने भी HMO/RDA की हड़ताल का समर्थन करते हुए 21 जून से 2 घंटे तक पेंडाउन स्ट्राइक करने का निर्णय लिया है। आरडीए टांडा के अध्यक्ष डॉक्टर अमित राणा ने बताया कि मंडी में महिला चिकित्सक के साथ हुई मारपीट व बदसलूकी के विरोध में 2 घंटे की पेंडाउन स्ट्राइक की गई है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से डॉक्टर्स की सिक्योरिटी देने की मांग कर रहे हैं तथा टांडा में भी डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं, उन्हें भी सिक्योरिटी उपलब्ध करवाई जाए।